गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारे मिस्टर ओबेरॉय रहते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं हमारी महर को ये बोलकर कि प्लीज आके ऑफिस ज्वाइन करो। महर जब इतना कन्विंसिंग पावर देखती है मिस्टर ओबेरॉय का, तो वो पूछती है कि आपका क्या मोटिव है। अकेले बिजनेस मोटिव तो आपका है नहीं है, पर मुझे लगता है आप कुछ और भी चाहते हैं मुझसे। जहाँ पर जो मिस्टर ओबेरॉय होते हैं, उसकी इस इंटेलिजेंसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को तुम सही डायरेक्शन पे लेकर जाओ। पर वो पहले तो मना कर देती है, पर फिर उसके बाद वो इतनी अच्छी डील रखते हैं उसके सामने कि जहाँ पर वो मना भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा अम्मी का ऑपरेशन था और अम्मी के ऑपरेशन के चक्कर में वो हाँ कह देती है। फिर जब वो ऑफिस आती है, तो वो ऑफिस के हालात देखती है, तो उसे समझ में आता है कि ऑफिस के हालात बहुत खराब है। जो दूर के ढोल हमेशा से सुहाने दिख रहे थे, वो पास जाकर देखा तो पता चला कि सब बेकार है। तो इसलिए वो मिस्टर ओबेरॉय से बात करती है और उन्हें कुछ चीजें बताती है। मिस्टर ओबेरॉय उसका इस तरीके का गेस्चर देख के काफी खुश होते हैं। अब उसके आगे यहाँ पे जो महर रहती है, वो रिटर्न मतलब टर्न होकर यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में जाती है। एचआर डिपार्टमेंट पे वो जाकर बात करती है, तभी एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, तुम होती कौन हो हमसे ये सारे सवाल पूछने वाली? तुम हमसे ये सारे सवाल पूछ कैसे सकती हो? आज तक तुम्हारी फाइनेंस हेड मिस शनाया ने मुझसे ये सारे सवाल नहीं पूछे हैं, तुम होती कौन हो? और ये एचआर बहुत गुस्से के एटीट्यूड में बोल रहा रहता है महर से। तो महर कहती है कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अब पूरे तरीके से चेंज हो गया है क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ। और मिस शनाया भी, कल मैंने जहाँ तक सुना है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से क्लास ले ली थी सबकी। तो अब पहले जैसा जो सिस्टम चल रहा था, वो नहीं चलेगा। एंड बाय द वे, आप इतना गुस्सा में क्यों हो रहे हैं? हम आपसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ही तो मांग रहे हैं, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांग ली है। और मैंने तो आपकी प्रॉपर्टी भी आपसे नहीं मांगी है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो हमें हमारी सिस्टम को एक प्रॉपर गाइडलाइन पे जानने के लिए चाहिए। तो आप मुझे ये रिपोर्ट्स तैयार कर दीजिए, मुझे एम्प्लॉयज़ की सारी रिपोर्ट चाहिए। तो वो कहते हैं, ये नहीं दे सकता हूँ मैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये एचआर का काम है, तुम क्या एचआर का काम करोगी? काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी एक कॉल आता है वहाँ पर लैंडलाइन पे। जैसे वो कॉल को पिकअप करते हैं, तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैंने कहा उसे वो चीज़ें दे दो जो उसे चाहिए, बात खत्म। तभी वो फोन एकदम से रख देता है और कहता है, ठीक है, आपको क्या क्या रिपोर्ट्स चाहिए, पूजा सारी रिपोर्ट्स निकाल के इनको दे दो। तो महर बोलती है कि पहले ही कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, क्यों इतना मजबूर करते हैं आप हमें? तो वो कहते हैं, तुम ना बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, जब तुम्हारे पंख कटेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तभी वो कहती हैं, उड़ते वो हैं जिन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं होता, और फाँकते वो हैं जो काम नहीं करते हैं, और मैं दोनों में काफ़ी अच्छी हूँ। तो मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे उंगली मत उठाइएगा, आधा डेमो आप देख चुके हैं, अब तो आप पिक्चर देखोगे मेरी। ये सारी रिपोर्ट्स मुझे आधे घंटे में चाहिए, ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर यहाँ पर जो हमारी जो महर रहती है, वो अपने कैबिन में चली जाती है और वहाँ जाकर बैठती है, क्योंकि उसे भी एक कैबिन अलॉट होता है। और वो वहाँ पर जाकर सब कुछ देख रही रहती है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश वो भी कर रही रहती है। थोड़ी देर में मिस शनाया आती है। जैसी मिस शनाया आती हैं, तो पूरे ऑफिस का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो इतने अच्छे से आती है, इतनी प्यारी ड्रेसिंग सेंस में, वो इतने छोटे कपड़े पहनकर आती है आज, जैसे कि वो भूल ही गई थी कि ऑफिस है या क्या है। वो शॉर्ट्स पैंट पहनकर आ जाती है और एक टॉप पहनकर आ जाती है, और बस ऐसी स्टाइलिश में आती है। ये देखकर तो मतलब सब लड़के तो एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरीके से होते हैं, लेकिन सबको पता था कि अगर किसी ने भी उसे कुछ भी बोला, तो वो फायर्ड कर देगी। तो सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वो अपने कैबिन में जाती हैं और जाकर बैठती हैं, और आरिश को बोलती हैं कॉफ़ी लेकर आना। तो आरिश बोलता है, जी मैम। थोड़ी देर में वहाँ पर कॉफ़ी आ जाती है, और कॉफ़ी आने के साथ महर जो रहती है कैबिन में, मतलब कुछ 10 मिनट के गैप से नॉक नॉक करके अंदर जाती है। तो वो कहती है, नो आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनी बडी राइट नाउ, जस्ट प्लीज गेट आउट।
ऐसे शनाया एकदम से कह देती है। मैं कैबिन के अंदर आ चुकी रहती है और गेट लगा के बोल देती है, मैं ऑलरेडी अंदर आ चुकी हूँ, हम अंदर आ चुके हैं। तो मैं शनाया अपनी नजर उठा के देखती है, कहती तुम फिर से आ गई, तुम में कोई इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं? जो इतने एटीट्यूड में मुझे ये बोल कर गई कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी मुबारक हो, और वो लड़की आज फिर से इस कंपनी में आ गई, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? मतलब लोग थूक कर चाटते हैं, तुम उनमें से हो क्या? तभी महर को गुस्सा आ जाता है और महर एकदम से उसके करीब आती है, और उसके बहुत करीब आती है। जैसे ही शनाया उसको इतना करीब आते हुए देखती है तो वो थोड़ी सी घबराने लग जाती है, थोड़ी सी उसकी घबराहट जैसा फील होता है, लेकिन वो अपने फेस के एक्सप्रेशन में ये आने भी नहीं देती है। हालांकि वो थोड़ा सा घबरा रही थी, पर वो इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और सडनली से जो महर रहती है वो कुर्सी को साइड में करती है और उसके एकदम करीब आकर बिल्कुल उसके फेस टू फेस के सामने खड़े होकर महर कहती है, तुम्हें लोगों की वैल्यू करना नहीं आता है ना, तो अपना गटर जैसा मुंह खोला भी मत करिए। हम यहाँ पर आपके लिए नहीं आए हैं और ना हमें कोई शौक है आपके आने का। हम यहाँ पर आपके अब्बू यानी कि मिस्टर ओबेरॉय के कहने पर आए हैं, जिन्होंने हमसे दरख्वास्त करी थी कि हम वो आए, और आपकी कंपनी, आप ही को मुबारक हो, अगर आपकी कंपनी अच्छी होती तो आपकी कंपनी की कंडीशन देख के पता चलता है। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड और सब की, वो हमारे अंदर इतना है ना कि जब हम खड़े होंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे, और वो भी पैसों के दम पे नहीं, बिना पैसों के दम पे हमारी रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे। तुम सिर्फ पैसों के दम पे उछकना जानती हो और मैं अपनी काबिलियत के दम पे उछकना जानती हूँ। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मेरी काबिलियत इतनी है कि तुम्हारे डैड मुझे यहाँ लेकर आए हैं अपनी कंपनी को सेफ करने के लिए, और तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि तुम्हें चलते टाइम भी कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता है। तो अपनी वैल्यू खुद समझ जाओ, और दूसरे की वैल्यू और दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठाने से पहले शायद हमें अगली बार आपको ऐसे ना समझाना पड़े। जब ये बातें महर बोल रही रहती है, शनाया की हार्ट बीट इतनी तेज हो रही रहती है, शनाया को डर लग रहा रहता है, क्योंकि सबसे पहली बात, महर बहुत ही खूबसूरत रहती है। एक मुस्लिम लड़की कितनी खूबसूरत होती है ये तो आप जानते ही हैं। तो वो अपने में ही एक अलग भी नायाब खूबसूरत रहती है, इतनी खूबसूरत कि उसका अगर चेहरा कोई प्यार से और पास से देख ले तो वो इंसान खो जाए, और उस गुस्से में तो वो और ही नायाब लगती है। मेहर की आंखें इतनी जब बड़ी होती है, थोड़ा सा उसमें गुस्सा आता है, हल्की सी लाल होती है, और जब वो सुरमा लगाती है, मतलब वो काजल लगाती है, तो उसकी आंखें इतनी शराबी वाली नजरें रहती हैं, इतनी नशीली नजरें होती हैं कि उसको देख कर ना मतलब इतना ज्यादा कोई पागल हो जाए। और शनाया के कानों में वो क्या बोल रही थी उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एक्चुअल में वो तो उसकी नजरों में खो चुकी थी। और उसके जो लिप मूव कर रहे थे, जिसमें उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, और उसने अपने बालों को पोनी टेल से टाई किया था, उसके बाल काफी स्ट्रेट थे, बस उसने हल्का सा पोनी टेल से अपने बालों को टाई किया था, और वो फिर भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि बोलते ना सादगी में सुंदरता, वो था उसके अंदर। और यहाँ पे हार्ट बीट जो हमारी शनाया की बढ़ती जा रही थी, और शनाया से ये सोच रही थी कोई तो बस रोक लो इसे। तभी महल जो रहती है वो थोड़ा और करीब आ जाती है, उसकी बोलती समझ में आया आपको? तभी शनाया कहती है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? तभी महर देखती है कि वो पूरे तरीके से उसके ऊपर चढ़ गई है। तो महर थोड़ा सा पीछे उड़ती है और कहती है, अब सॉरी। तो कहती है, हाँ तो अगली बार कुछ
बोलोगी तो थोड़ा डिस्टेंस से बोलना, इतने करीब मत आया करो। तो मैरी कहती है, तो ऐसी बातें ही मत किया करो कि हमें आपके करीब आके आपको समझाना पड़े। तो कहती है, हाँ, ठीक है, वैसे यहाँ कैबिन में क्यों आई हो? तभी वो हाथ पकड़ती है शनाया का। तो शनाया कहते हैं, यार तुम मेरे साथ ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, हाउ यू जस्ट ट्रीटिंग मी। तो कहती है, मैंने कहा चलिए आपका हाथ पकड़ी हूँ मैं तो कुछ बताने के लिए। निकल जाती है, वहां पर एक प्राइवेट वॉशरूम रहता है जो खुद शनाया का रहता है। शनाया ने अपने खुद के कैबिन में एक प्राइवेट वॉशरूम लगाया रहता है जिसमें वो जब चाहे तो अपने कपड़े ड्रेसिंग चेंज भी कर सकते हैं। वो एक ड्रेसिंग रूम प्लस वॉशरूम दोनों का कॉम्बो होता है और वो काफी बड़ा भी होता है। और वो गेट ओपन करते हैं, कहते हैं, ये मेरा वॉशरूम है, इट्स अ प्राइवेट, नॉट अ पब्लिकली। तो वो कहती है, आई नो दैट। ऐसे मेहर करती है, उसको खड़ा करती है और सबके सामने खड़ा करके बोलती है, लुक एट योर ड्रेस, ये ड्रेस कोई ऑफिस में पहनने लायक है? तो कहती है, मेरा ऑफिस, माय टर्म्स, माय रूल्स। तो कहती है, ओके देन 1 मिनट। ऐसे कह के जो मेहर होती है वो वहां से अपना एक टॉप उतारती है, और टॉप उतारने के बाद अंदर उसने स्पेगेटी पहनी रहती है, और वो भी बहुत अच्छी, मीन्स ब्रांडेड तरीके की रहती है। और वो स्पेगेटी पहनी रहती है, वो उतारती है और बोलती है, नाउ दिस इज माई वे हाई वे, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इस तरीके से कपड़े पहनना पड़ता है। तभी फर्स्ट टाइम शनाया की नजरें उसकी बॉडी पर जाती है। हालांकि उसकी बॉडी ज्यादा रिवील नहीं हो रही थी, पर उसके जो बो लाइंस थे, मतलब चेस्ट के वहां पर, वो पूरे शेप में रहते हैं, उसके हाथ पतले रहते हैं, और उसकी जो कमर दिखने लग जाती है, उसके नेवल दिख रही रहती है। वो नेवल भी इतनी अट्रैक्टिव, उसका फिगर लाइक सेक्सीएस्ट रहता है, और शनाया बस उसे देखती रह जाती है, और उसके मुंह से एकदम से निकलता है, यू आर डैम हॉट। तभी मेहर को अजीब सा फील होता है और वो ऐसे बोलती है, व्हाट? तो वो कहती है, ओ आ, 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 नहीं तुम ऐसे मत जाओ, ये ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सही नहीं है। तो मेहर कहती है, क्यों क्यों ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है? आई थिंक तुम पहनो तो सही, मैं पहनू तो गलत। तो कहती है, आई एम योर बॉस, आई कैन वेयर एनीथिंग, देन आई एम योर एम्प्लॉय, आई कैन वेयर एनीथिंग। आपको सिर्फ आपके काम से मतलब होना चाहिए ना, मैं अपना काम टाइम पे करूंगी। अब मैं बिकनी पहन कर रहा हूं या फिर हम इस टाइप के कपड़े पहन कर रहे हैं, इससे आपको मैटर नहीं करता। और अगर आप इस तरीके से रह सकती हैं तो मैं भी इस तरीके से रहूंगी, तो मैं भी ऐसे करके। वो ये कह के महल जो होती है बाहर की तरफ निकलती है और गेट से बाहर जा रही थी, तभी एकदम से शनाया उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है, और उसे कमर में हाथ डाल के पकड़ती है उसे, और दोनों गिरने वाले रहते हैं। यहाँ पर शनाया महर दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं और दीवार से लग जाते हैं। दोनों गिरने ही वाले रहते हैं, मतलब बहुत टाइटली होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद वो एकदम से बोलती है उसे, वो तुम गिरने वाली थी, शनाया बोलती है। तभी महर बोलती है, आपने हमें क्यों पकड़ा है? तो वो कहती है, आप ऐसे बाहर मत जाओ। और पहली बार शनाया के मुंह से आप निकलता है, क्योंकि अभी तक उसने कभी किसी को आप नहीं बोला था, तुम यहाँ से निकलो, उस टाइप का उसका एटीट्यूड था। तो वो जैसी उसे आप बोलती है, मेहर बोलती है, आप बोला आपने मुझे? तो कहती, नहीं, मैंने आप नहीं कहा, मैंने कहा तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। तो कहते, क्यों? कहते, अरे यार ये कितना रिवीलिंग हो रहा है यार, लोग देखेंगे तुम्हें, किस तरीके से सोचेंगे। तभी वहां पर जो हमारी मह रहती है वो थोड़ा सा साइड में जाती है, कुर्सी पे बैठती है और बैठ के बोलती है, क्यों आपको इस बात का डर लग रहा है क्या कि आपसे ज्यादा सेक्सी मैं हूँ और लोग मेरे खूबसूरती के बारे में चर्चा करेंगे एज कम्पेयर टू योर, आपको लोग भूल जाएंगे और मुझे लोग याद रखेंगे, इस बात का डर है आपको? तो शनाया एकदम ठंडी सांस लेकर बोलती है, मेरा एटीट्यूड, मेरी वैल्यू कोई नहीं हटा सकता है, ओके, और वो तुम अचीव भी नहीं कर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, दिस इज नॉट लुकिंग गुड।
एंड मैं नहीं चाहती कि आप इस तरीके से जाए। तो फिर महर उठती है, उठ के कहती है, आप, तुमने फिर से मुझे, आपने मुझे आप कहा। तो वो कहती है, नहीं। अब महर को थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि ये लड़की इतनी बुरी नहीं है। इसे लगता है किसी ने लाइफ में प्रॉपर गाइड ही नहीं किया। मतलब इस बंदी को अगर सही तरीके से समझाया जाए तो ये चीज समझेगी। बस इसको समझाने का तरीका ऐसा होता है टिक फॉर टैक वाला। मतलब इसको इसी के तरीके से समझाया जाए तो काफी ज्यादा चीजें अच्छी होगी। पर इसे समझाएंगे कैसे, वो अब महर को समझ में आ जाता है। तो महर कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि हम इस तरीके से बाहर ना जाएं तो आपको भी अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा। तो कहती है, आई डोंट हैव ड्रेस राइट नाउ। तो कहती है, यू ऑलरेडी हैव इट, आपके कैबिन में ड्रेसेस रखी है। तो कहते हैं, व्हाट? तो कहती है, आइए। और ऐसे हाथ पकड़ के वो लेकर जाती है और उसे वहां पे कबर्ड पे एक ड्रेस दिखाती है। तो कहती है, अरे यार ये बहुत पुरानी ड्रेस है यार, मैं नहीं पहनूंगी। तो कहती, ठीक है तो मैं ऐसे जाती हूँ। तो कहती, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आप मत जाओ ऐसे, मैं पहन लेती हूँ। अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पर जो महर होती है वो बाहर जाके बैठ जाती है चेयर पे। थोड़ी देर में जो वहाँ पर एक ड्रेस रहती है, ड्रेस मीन्स ऐसा रहता है कि वो एक लॉन्ग टॉप रहता है और जीन्स रहती है और श्रग रहता है, हालांकि वो मॉडर्न ही ड्रेस रहती है। और वो पहनकर शनाया एकदम से बाहर आती है, वो काफी सुंदर लग रही रहती है। तभी पहली बार मेहर को एक्चुअली में शनाया सुंदर दिखती है, क्योंकि अभी तक उसने उसको पूरे रिवीलिंग ड्रेसेस में देखा था, कपड़े छोटे पहनकर वगैरह। पर आज जब उसने पूरा एक पूरा अपने आप को कवर किया रहता है तब भी वो उतनी सुंदर दिखती है। तो वो बोलती है, अब तुम अपना ड्रेस पहनो। तो कहती है, ठीक है। फिर वो वहां से वो टॉप लेती है, वो टॉप पहन लेती है और टॉप पहनती है और कहती है, ठीक है, दैट्स नाइस। तो कहती है, नेक्स्ट टाइम जब भी ऑफिस आओगे आप तो ऐसी ड्रेस पहन के आना। और हमें लगता है कि खूबसूरती इंसान के जिस्म ढकने से होती है, जिस्म दिखाने से नहीं होती है। तो ये बोलकर महर बाहर की तरफ जाती है। तभी शनाया से बोलती है, अच्छा सुनो। तो महर टर्न होके बोलती, कहिए। कहती, आप हमें सिर्फ ये बोलने के लिए आई थी? तो महर थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, नहीं, आपकी शायद से मीटिंग्स है वो बताने आई थी जो ऑलरेडी कैंसल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि आप अपनी टाइम की पंचुअल नहीं हैं। और जो इंसान टाइम का पंचुअल नहीं होता है उसके साथ यही होना चाहिए। आपने अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को खो दिया अपनी पंचुअलिटी के बेस पे। आप यहाँ की बॉस है, अगर आप खुद टाइम पर नहीं आएंगी तो आपके एम्प्लॉयज क्या टाइम पर आएंगे? एक डेमो में आपको दिखा चुकी हूँ, क्या आप चाहती हैं कि और डेमो में आपको दिखाऊं? जैसे ये बात बोलती है तो शनाया बोलती है कि तुम अब बहुत ओवर हो रहा है तुम्हारा, मैं कभी भी आऊँ उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें काम अटेंड करना चाहिए, तुम्हें मैंने हायर किया इन सब चीजों के लिए, तुम देखोगी ना ये सारी चीजें। तो तभी महर बोलती है, जो मीटिंग्स आपकी है क्लाइंट्स के साथ उसे मैं कैसे हैंडल करूंगी, मुझे इतनी पावर और पोजीशन अथॉरिटी नहीं है। तो कहती, ऐसा नहीं हो सकता, वो जाके शेड्यूल कराओ, मुझे नहीं पता। तो कहती है, सॉरी, इफ यू डोंट कम ऑन अ टाइम यू लॉस्ट एवरीथिंग, बाय। ये बोल के महर वहां से निकल जाती है। शनाय काफी ज्यादा गुस्से में होती है। अभी तक वो थोड़ा शांत हो चुकी थी लेकिन महर उसको फिर से पोक कर देती है तो इतने गुस्से में आ जाती है और तब गुस्से में चिल्लाती है, एक तो मुझे कपड़े पूरे पहना दिए और ऊपर से ये लड़की ना, मैं इसका क्या करूं, ये लड़की क्या है, पापा ने तो बस कर दिया। थोड़ी देर में जो महर अपने कैबिन में जाकर बैठ के वो रिपोर्ट्स जो मंगाई रहती है उस पर काम करने लग जाती है, शनाया काफी ज्यादा गुस्से में उठती है और वहां से निकलती है। थोड़ी देर में जब शनाया वहां से जा रही रहती है तो वो देखती है कि सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि शनाया की ड्रेस चेंज हो गई है, क्योंकि अभी तक तो वो शॉर्ट ड्रेस में आई थी और उसकी ड्रेस चेंज हो गई है। और वो जैसी ड्रेस पहनकर अपने डैड के ऑफिस में जाती है तो डैड बोलते, कौन हो तुम? तो वो कहती, डैड इट्स मी।
तो डैड बोलते, अरे मैंने आज तक अपनी बेटी को इतने कपड़ों में नहीं देखा है। तो वो कहते हैं, ओह डोंट इरिटेट मी, वैसे एक तूफान आपने मेरे सर पे रख दिया है और जो मेरे सर पे नाच रहा है, और उस तूफान को आपको निकाल के फेंकना चाहिए था, आप हद करते हो। तो कहते हद करता हूँ मैं, हो लगता है लड़की का जादू चल गया, उसने तुम्हें पूरे कपड़े पहनाना सिखा दिए। उफ शी इज सो टैलेंटेड, वैसे सच बोल रहा हूँ, तुम उसके साथ रहोगी तो काफी चीजें सीखोगी। वैसे अभी वो एचआर डिपार्टमेंट की बैंड बजाकर आई है। तो कहती व्हाट? तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट से वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज का अटेंडेंस रिकॉर्ड लेने गई है, और उसने सबका अटेंडेंस रिकॉर्ड मंगवाया है, सबकी रिपोर्ट निकाली है, सबकी अप्रेजल रिपोर्ट्स निकलवाई है उसने। तो कहती तो उसे ये सब चीजों का क्या काम? तो कहती तो उसी से जाकर पूछो, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ नया डिफरेंस लाना चाहती है। तो कहते डैड आपने गलत लड़की को लिया, अगर वो यहाँ रही ना वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने ना जिंदगी तुमसे ज्यादा देखी है और काफी गहराइयों से देखी है। ये बंदी या तो आर करेगी या तो पार करेगी, या तो ये खुद थोड़े दिनों में क्विट करेगी या तो फिर ये कंपनी को अपने हिसाब से चलवा देगी, पर उसके थॉट्स और उसकी मेंटालिटी को जानने की कोशिश करो, वो काफी सही है। वैसे अगर सही नहीं होते तो शनाया कपड़े नहीं पहनती पूरे। तो वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती, इनफ इज इनफ डैड, आप मेरे मजे ले रहे हैं। तो कहते मैं तुम्हारे मजे ले रहा हूँ, ओ गॉड सॉरी, और ऐसे बोलकर वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। शनाया काफी गुस्से में होती है क्योंकि अब उसका कंट्रोल खत्म हो रहा था और उसके डैड एक्चुअल में मेहर के बारे में ही बार बार कहे जा रहे थे। तो वो गुस्से में जाती है मेहर के कैबिन में, और जैसे मेहर के कैबिन में घुसते हुए बोलती है कि व्हाट द हेल, तुम कर क्या रही हो, अभी अभी आई हो और तुम इस कंपनी में अपनी कंपनी समझने लग गई हो क्या, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च करोगी। ये कंपनी मेरी है, यहाँ मेरे हिसाब से चली जाएगी, चीजें मेरे हिसाब से होगा, तुम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती हो, ये मेरी कंपनी है। शनाया काफी गुस्से में चिल्ला रही रहती है और उसकी वो लाउड जो वॉइस रहती है वो एक्चुअल में कैबिन से बाहर निकल के दिख रही रहती है, और जो कैबिन रहता है वो तो ट्रांसपेरेंट रहता है, मींस कुछ ऐसे चीजें रहती नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो एक्चुअल में नॉन ट्रांसपेरेंट कैबिन सिर्फ हायर अथॉरिटीज के रहते हैं, जैसे कि मिस्टर ओबेरॉय के, शनाया मैम के, और ये बाकी जो नॉर्मल स्टाफ रहता है चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो या कुछ, सबके जो कैबिन रहते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, मीन्स कांच के रहते हैं। तो वो इतनी जम जम के शाउट कर करके चिल्ला रही रहती है। तभी महर एकदम से खड़ी होती है और फिर से वो शनाया के एकदम पास आती है। शनाया को फिर से उसके इतने करीब आके डर लगने लगता है क्योंकि पहली बात तो महर की हाइट भी अच्छी रहती है और उसके चेहरे का वो एटीट्यूड इतना शानदार होता है ना कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो उसके करीब आती है और आके क्या बोलती है, आवाज थोड़ी नीचे रखकर भी आप बात कर सकती हैं, हमें पसंद नहीं है कि कोई हमसे इतने बदतमीजी और ऊंची तरीके से बात करे, वरना हमें भी गंदे तरीके से बात करनी आती है, और जब हमने गंदे तरीके से बात की तभी शनाया कहती है तुम करीब मत आओ। अब महर को ये चीज पता चल जाती है कि शनाया का मुंह बंद हो जाता है जब महर उसके करीब आती है, तो वो थोड़ा और करीब आ रही रहती है, शनाया अपने आप को पीछे पीछे कर रही रहती है, और अब वो और करीब आती है तभी वो और पीछे होती जा रही रहती है, पीछे होती जा रही रहती है। थोड़ी देर में जो एकदम से शनाया थोड़ा सा टर्न होती है तो वो देखती है कि सब लोग, शनाया इधर एकदम से देखती है तो ये देखती है कि सारे के सारा स्टाफ जो बाहर देख रहा रहता है उसको, और ऐसे देखने लगता है तभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे एकदम से महर रहती है, पहले वो साइड में टर्न होती है फिर एकदम से उस आगे बढ़ती है, महर से वो टकरा जाती है, गिरने लगती है, महर उसे इतने टाइटली होल्ड करती है और महर और शनाया की आंखें एक दूसरे से मैच होने लगती है।
दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। और शनाया की तो हार्ट बीट इतनी फास्ट होती है, लेकिन महर को कुछ फील नहीं हो रहा रहता है। महर से उसकी तरफ एक स्माइल से देख रही रहती है। थोड़ी देर में शनाया बोलती है, बोला था ना इतने करीब मत आया करो। तभी महर उसे खड़ा करती है और थोड़ा सा कदम पीछे रखती है और बोलती है, दो कदम पीछे होके बोलती है, सॉरी। और शनाया कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूं। तो मैं फिर से उसकी तरफ देखती है और मैं शनाया बोलती है, तुम ऐसे जाके किसी भी कंपनी में ऐसे घुस नहीं सकती हो, तुम्हें पता है ना। तो मैर बोलती है, आपको प्रॉब्लम क्या है और आप क्या बोल रही हैं शायद आप खुद भी नहीं समझ पा रही हैं, और हमें कुछ समझाना नहीं है आपको। तो वो कहती है, मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो। और ऐसे कह के जो शनाया होती है वो वहां से निकल जाती है। महर उसकी तरफ जाते हुए देखती है और शनाया इतनी हार्ट बीट उसकी फास्ट रहती है, उसे घबराहट होने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता है साला चल क्या रहा है, ये लड़की कितनी डोमिनेटिंग है और मेरे पीछे कैसे पड़ गई है। भगवान, मेरे डैड को भी सिर्फ इसी लड़की को लेकर आना था। और ये किस टाइप की लड़की है यार, मेरी तो जान खा गई है। उफ, ओह माय गॉड। और ये सिस्टम, क्या सिस्टम लेकर आना चाहती है, बाप रे। तो थोड़ी देर में जो महर रहती है वो भी अपने कैबिन से निकलती है, वहां नोटपैड हाथ में लेती है और जाती है। जैसी वो जा रही रहती है, वो एक नजर से स्टाफ की तरफ देखती है। स्टाफ जो भी रहता है वहां पर, जो भी लड़कियां वगैरह सब काम करने लग जाती हैं, वो एकदम से उसकी नजर का ही फॉलो करके समझ जाते हैं कि महर के साथ उलझना, मतलब जिसके सामने शनाया कुछ नहीं बोल पा रही है, अगर उसके सामने हमने कुछ बोला तो ये लड़की तो हमारी चली जाएगी। और ऑफिस में भी ये बात फैल चुकी थी कि मिस्टर ओब्रॉय भी उसको फेवर करते हैं। तो अब सबको ये लगता था कि महर ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू शनाया, मतलब मिस्टर ओब्रॉय की बेटी अगर शनाया से मिस्टर ओब्रॉय की बेटी अगर महर से डर रही है तो जाहिर सी बात है महर के पास ज्यादा पावर है। तो सबको एक नजर से देखती है, ऐसे ही डरने लग जाती है। तभी वहां पर जो एक स्टाफ रहता है वो चल रहा रहता है, और वहां पर एक काका रहते हैं। वो काका जो रहते हैं ना, एकदम से ना पोछा लगा रहे रहते हैं, और पोछा लगाते लगाते थोड़ा सा मतलब वो एक बोलते हैं ना कि थकावट हो जाती है, तो वो एकदम से गिरने लग जाते हैं। और तो वो अपनी सारी फाइल्स वगैरह को साइड रखती है और वो काका का हाथ पकड़ती है और बोलती है, काका आप ठीक तो हैं? तो वो कहती हैं कि हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहती है, अरे अरे रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए। वो काका को बिठाती है, महर वहां से पानी भर के लाती है और पानी उन्हें बहुत प्यार से पिला रही रहती है और कहती है, काका आपका आंग बहुत गर्म है, आपको तो बुखार है और आप फिर भी क्यों आए हैं? तो वो कहता है, बेटा पैसों की जरूरत होती है ना तो आना पड़ता है। तो वो कहती हैं, पैसों से ज्यादा जरूरत इंसान की जीवन की होती है। अल्लाह ने आपको अगर ये जीवन दिया है तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं दिया है, खुद का ख्याल रखने के लिए भी दिया है। आप जाइए, आप छुट्टी लेकर जाइए। तो कहते, नहीं, वो मेरा होगा। तभी वहां से वो आता है एचआर, और एचआर एकदम से आके बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये चीजें जो शनाया रहती है वो भी अपने कैमरे से देख रही रहती है, और वहां से मिस्टर ओब्रॉय भी देखते हैं। तभी वो कहते हैं कि तभी वहां पर महर एकदम से बोलती है कि इन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं इन्हें छुट्टी देने के लिए बोल रही हूँ। तो कहती हैं, तभी वहां से वो कहता है, ओ अब तुम डिसाइड करोगी कि छुट्टी किसको देना है या नहीं देना है, मतलब सारा काम तो तुम ही कर लो ना, एचआर का भी काम कर लो। अभी आई हो नहीं हो, अभी फर्स्ट डे हुआ नहीं है और अपनी बॉस के लिए यहाँ झाड़ने लग गई हो। तभी महर शांत स्वभाव में रहती है और वो काका का ध्यान रख रही रहती है। काका की तबीयत और खराब हो रही रहती है और जो काका रहते हैं ना उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी महर जो एचआर है ना, कुत्ते की तरह भौंक रहा था, वो उसको ध्यान ही नहीं देती है। तभी वो इधर उधर देखती है तो
वो थोड़ा सा देखती है कि काका अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोलती काका एक मिनट, तो वो उनकी जेब में हाथ डालती है तो वो पंप रहता है, वो पंप को निकालती है, उसे शेक करती है और काका को देने लगती है। फिर काका को देख के बोलती है आप थोड़ी देर बैठो। फिर वो आराम से बिठाती है, उतनी देर में जो शनाया होती है वो भी अपने कैबिन से बाहर निकल जाती है और मिस्टर ओबेरॉय भी निकल जाते हैं। और सब मतलब अब पूरा जो माहौल होता है कि सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। उधर पे महर एकदम से बोलती है अगर आपका बोलना बंद हो गया है तो हम कुछ बोलें आपको? तो कहते तुम क्यों बोलोगी, एचआर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इनको छुट्टी देनी है कि नहीं, मुझे नहीं देनी है इनको छुट्टी। तभी वो कहती है व्हाट द हेल। ओके, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप एचआर हैं तो आपको एचआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। एचआर का सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है कि वो अपने इम्प्लॉयज की हेल्थ इन सब की का ध्यान रखे, हेल्थ का ध्यान रखे, और आप हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? अरे उन्हें इतना तेज बुखार है, उनकी पूरी बॉडी तप रही है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी अगर आप में इंसानियत नहीं है ना तो ऐसी कंपनी में रह के फायदा क्या है? इम्प्लॉय बेनिफिट्स नाम की भी कोई चीज जानते हैं आप? आपको पता है। और आपको शायद से ये भी चीज मैं बता दूं, अगर इम्प्लॉय अगर उसकी तबीयत आप ही के ऑफिस में रहते रहते खराब हो जाए तो उसका पूरा खर्चा एम्प्लॉयर को उठाना पड़ता है। शायद ये बात भी आप अपने एचआर रूल्स बुक्स में नहीं जानते होंगे। शायद अगर फर्जी डिग्री लेके करोगे ना तो यही होगा, और अगर अच्छी जगह से एचआर बनते तो शायद पता होता। और वेल, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं हूँ। और रही बात पैसे काटने की, तो अगर आपको इतना ही शौक है पैसे काटने का तो आप हमारी सैलरी से काटेंगे पैसे, हम अपनी सैलरी से पैसे कटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन काका की तबीयत ठीक नहीं है तो काका घर जाएंगे। आपके लिए शायद ये एक एम्प्लॉय होंगे लेकिन इनके फैमिली के लिए ये इनके कर्ता धर्ता हैं, और शायद आप नहीं जानते कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी उम्र में तो शायद आप खड़े भी ना हो पाए जितनी उम्र में ये काम कर रहे हैं, और तब भी आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता। अगली बार हमसे बात करने से पहले हमारे बारे में जान लेना। और दूसरी चीज, आप पहले ये जान लीजिए कि आप जिस फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमसे बात कर रहे हैं उसका आप पूरा नॉलेज लेकर आइए। आधा अधूरा ज्ञान हमें पसंद नहीं है। ये बात महर एकदम से सबके सामने कहती है। थोड़ी देर में वो एकदम से बोलता है तुम होती कौन हो ऐसे चिल्लाया था। तभी शनाया एकदम से बीच में आके बोलती है, तभी वो बोलता है शनाया मैम ये किस तरीके से बोल रही है? तभी वो कहती है वो सही कह रही है, वो सही कह रही है कि इम्प्लॉयज का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर आप एचआर होकर अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो ये गलत है। जाने दो उन्हें छुट्टी, और आपको मैं 2 दिन की छुट्टी दे रही हूं, और आपकी पगार बिल्कुल भी नहीं कटेगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप आइएगा। ये बात देख के महर भी काफी शॉक्ड होती है, और पूरा का पूरा ऑफिस शॉक्ड होता है, और सबसे ज्यादा शॉक्ड होते हैं तो मिस्टर ओबेरॉय। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या महर का जादू चलने लग गया है शनाया पे, क्या शनाया सब कुछ समझने लग गई है। जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय।